हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास एट। क्लास एट का हमारे पास चैप्टर सिक्स। चैप्टर सिक्स के एक्सरसाइज फर्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 6.1। 6.1 में हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वेयर्स और स्क्वेयर रूट है हमारे पास चैप्टर। अब उसमें से हम ये देखते हैं कि यूनिट प्लेस के बारे में पढ़ेंगे हम मेनली। यूनिट प्लेस अगर हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, और नहीं करते तब क्या आता है, ऐसे पढ़ेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ने आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और ये बोल रखा है कि अगर हम उन नंबर्स का स्क्वेयर करेंगे तो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा। यूनिट प्लेस हमारे पास लास्ट में बिल्कुल जो आता है वो हमारे पास क्या होता है, यूनिट प्लेस होता है। तो देखते हैं क्या आते हैं। फर्स्ट है 81। यूनिट डिजिट ऑफ 81 का स्केयर, 81 का स्केयर करेंगे तो ये हमारे पास यूनिट है। यूनिट डिजिट का अगर हम स्केयर करेंगे, 1 का स्केयर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो जो हमारे पास 81 का स्केयर है जब हम उसको निकालेंगे तो उसमें भी जो भी हमारे पास टर्म आएगी उसमें क्या आएगा कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1। नेक्स्ट है 272। अब 272 है, इसमें यूनिट डिजिट ऑफ 272 का स्केयर अगर हम इसका स्केयर करेंगे तो 272 पूरे का स्केयर कर दिए। अब इसका पूरे का स्केयर का मीनिंग क्या है, हमें तो यूनिट प्लेस चाहिए ओनली, तो यूनिट प्लेस का स्केयर करेंगे, 2 का स्केयर कितना आएगा, 4 आएगा। तो क्या आ जाएगा इसका यूनिट प्लेस पे, 4। नेक्स्ट है 799। यूनिट डिजिट ऑफ 799, इसका स्केयर कर दिया, 9 का स्केयर कितना होता है, 81 होता है। 81 में अब यूनिट प्लेस क्या है, 1, तो क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट है 3853। यूनिट डिजिट ऑफ 3853 का स्केयर, 3 का स्केयर क्या आएगा, 9, तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। यूनिट डिजिट ऑफ 1234 का स्केयर, 4 का स्केयर 16, 16 में हमारे पास यूनिट प्लेस क्या है, 6। 26387 यूनिट प्लेस निकालना है तो इसका स्केयर कर देंगे, 7 का स्केयर 49 में यूनिट प्लेस क्या आया, 9। 52698 में हमारे पास यूनिट प्लेस क्या है, 8 का स्केयर कर देंगे 64, और यूनिट प्लेस हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। नेक्स्ट है 99880, 0 का स्केयर करेंगे, 0 का स्केयर भी क्या होता है, 0। 12796, 6 का स्केयर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6। नेक्स्ट है 55555, 5 का स्केयर कर देंगे 25, और 25 है तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या आया, 5। ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। नेक्स्ट है द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट ए परफेक्ट स्केयर। हमें ये बताना है कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं कि आर नॉट परफेक्ट स्केयर, कि ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, गिव रीज़न, इसका रीज़न देंगे हम क्यों नहीं है। फर्स्ट है 1057। अब 1057 इसका यूनिट प्लेस क्या है, 7। बट अगर हम किसी भी नंबर का स्केयर करते हैं तो हमारे पास उसमें यूनिट प्लेस पे कभी भी 7 नहीं आएगा। 1 का स्केयर कर रहे हैं, 1 आएगा, 2 का स्केयर करेंगे, 4 आएगा, 3 का स्केयर होगा, 9, 4 का स्केयर 16, 5 का 25, तो लास्ट जो डिजिट है यूनिट प्लेस है उस पर 7 नहीं आएगा। तो क्या लिख देंगे, 1057 एंड्स विद 7 एट यूनिट प्लेस। इसमें यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है, 7 है, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्केयर नंबर। इसलिए एक परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, क्या बताया था, कि हमारे पास डिजिट होते हैं 2, 3, 7 और 8। अगर ये हमारे पास यूनिट प्लेस पे दे रखे हैं तो वो किसी का भी परफेक्ट स्केयर नहीं है, 2, 3, 7 और 8। अब 7 है तो नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने डिजिट बताए थे 2, 3, 7, 8, और एक ज़ीरो होता है, वो अगर डबल ज़ीरो है तो हमारे पास परफेक्ट स्केयर होता है। अगर सिंगल ज़ीरो है या 3 times 0 या 5 times ओड नंबर्स में है ज़ीरो, तो वो हमारे पास किसी का स्केयर नहीं होता। देखो 23,453। अब इसमें यूनिट प्लेस में हमारे पास क्या आया, 3, और अगर किसी का यूनिट प्लेस पे 3 है तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। तो क्या बोल देंगे, एंड्स विद 3 एट ए यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस पे 3 है, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। नेक्स्ट है 7,928। 7,928 एंड विद 8, 8 से अगर एंड हो रखा है यूनिट प्लेस पे तो क्या बोल देंगे, इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर।
2,22,222 लास्ट डिजिट क्या है? 2, अगर 2 आ गया तो क्या बोल देंगे? नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, 64,000। मैंने बताया था अगर 2 टाइम्स 0 है तो परफेक्ट स्क्वेयर है, और अगर 1 टाइम्स है या 3 टाइम्स है या 5 टाइम्स है ऐसे आती है तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर। अब इसमें कितने टाइम्स है? 1, 2, 3, 3 टाइम्स है तो क्या आ जाएगा? नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, ये 3 जीरोज से एंड होते हैं इसलिए क्या बोल देंगे? नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर। नेक्स्ट है 89,722, लास्ट डिजिट हमारे पास क्या आया? 2, और अगर लास्ट डिजिट 2 है तो क्या बोल देंगे? नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर। नेक्स्ट है 2,22,000, 3 टाइम्स 0 आ गई हमारे पास, 3 टाइम्स 0 है तो क्या बोल देंगे? इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर। 5,05,050, अब इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 0 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स होती तो होगा किसी ना किसी का स्क्वेयर, बट अगर 1 टाइम्स है तो क्या बोल देंगे? एंड्स विद 10, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, इसलिए एक परफेक्ट स्क्वेयर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द स्केयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। आपको ये नंबर दे रखे और ये बोल रखे हैं नंबर का जो स्केयर है वो क्या है? वुड बी ए ऑड नंबर, कि एक ऑड नंबर होगा, ये बताना है हमें। देखो 431 का स्केयर करेंगे, लास्ट डिजिट क्या है? 11 का स्केयर करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 आएगा तो क्या आ जाएगा? ये एक ऑड नंबर, क्योंकि अगर किसी के भी यूनिट प्लेस पे 1 डिजिट आता है तो क्या होगा? ऑड नंबर। नेक्स्ट है 2,826, लास्ट डिजिट हमारे पास 6 है, 6 का स्केयर करेंगे क्या आएगा? 36, यूनिट प्लेस पे कौन आया? 6, अगर यूनिट प्लेस पे 6 है तो 6 कैसा नंबर है? इवन नंबर, तो क्या बोल देंगे? इज एन ए इवन नंबर। नेक्स्ट है 7,779, 7,779 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे कौन है? 99 का स्केयर कितना आएगा? 81, अब 81 में यूनिट प्लेस पे कौन आया? 1 आया, तो 1 हमारे पास कैसा होता है? ओड नंबर, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे? पूरा क्या आएगा? एक ओड नंबर। नेक्स्ट है 82,004 का स्केयर कर दिया, 4 का स्केयर क्या आएगा? 16 आएगा, तो लास्ट डिजिट क्या आया यूनिट प्लेस पे? 6, और अगर यूनिट प्लेस पे 6 है तो वो कैसा नंबर है? एक इवन नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। आपको जो पैटर्न दे रखा है वो ऑब्जर्व करना है और मिसिंग डिजिट्स को फाइंड करना है। 11 स्केयर क्या आ जाएगा? 121, 101 स्केयर, 10,201। अब ये आ गया हमारे पास से 1001 का स्केयर। हमने इसमें से क्या देखना है कि देखो 11 का स्केयर क्या है? 121, इन दोनों के बीच में एक जीरो आई हमारे पास है तो क्या लगा दिया? 10201। अब 20 आ गई तो 100201। अब 3 है तो 130, फिर 2, फिर 301। अब हमें बताना है किसके लिए है? इसके लिए, तो इसमें कितनी जीरोज़ हैं बीच में? 4 जीरोज़, तो हम क्या करेंगे? 1, 4 जीरोज़, फिर 2, फिर से 4 जीरोज़, और लास्ट में क्या आएगा? 1। ये हमारे पास फिक्स है 1, 2 और 1, इनके बीच में जितनी जीरोज़ यहाँ आए इतनी जीरोज़ लगाएंगे। अब ये आ जाएगा 1, और इसके बीच में कितने जीरोज़ हैं? 6 जीरोज़, और इसको स्केयर करेंगे तो क्या आएगा? 1, 6 जीरोज़, फिर 2, फिर 6 जीरो, फिर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है और जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको निकालना है। 11 स्केयर 121, 101 का स्केयर 10,201। अब क्या आ गया? देखो यहाँ तो 11 का स्केयर, 101 का स्केयर, अब क्या है? 10101, डबल बीच में एक बार फिर से 1 आ गया, तो जितनी बार है, देखो जितनी बार 0 आया उतने टाइम्स ही बढ़ाएंगे हम। 1 हमारे पास कितने टाइम्स है? 1, 2, 3, तो हम 3 तक लेके जाएंगे, 10, 20, 30, फिर वापस से वही 201। नेक्स्ट में क्या आया? 10101 का स्केयर, कितने 1 आए? 1, 2, 3, 4, तो अब हम 4 तक बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर से डिक्रीज कर देंगे, 10, 20, 30, 40, 4 के बाद फिर से कौन आ गया? 30, 20 और 1। नेक्स्ट है, अब इसमें कितने 1 है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है तो हम कहाँ तक लेके जाएंगे? 5 तक लेके जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ तक आ गए, फिर से हम डिक्रीज कर देंगे, 5 के बाद कौन आएगा? 40, 30, 20, 1। ये था हमारा इसका पैटर्न। नेक्स्ट है हमारे पास, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर फाइंड करने कैसे?
वन का स्क्वेयर प्लस टू का स्क्वेयर प्लस टू का स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, थ्री का स्क्वेयर। वन का स्क्वेयर वन हो जाएगा, टू का स्क्वेयर फोर, फोर और वन फाइव, फिर टू का स्क्वेयर फिर से फोर, फाइव और फोर नाइन, नाइन को हम क्या लिख सकते हैं, थ्री का स्क्वेयर। अब पैटर्न क्या है, उसके बाद दे दिया टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस सिक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सेवन स्क्वेयर, थ्री स्क्वेयर प्लस फोर स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व स्क्वेयर इज इक्वल टू थर्टीन स्क्वेयर। हमने पैटर्न क्या बनाया कि वन का स्क्वेयर टू का स्क्वेयर और इन दोनों की मल्टीप्लाई का स्क्वेयर, टू वन जा टू, टू का स्क्वेयर वो किसके इक्वल आएगा, इससे एक ज़्यादा टू है तो यहाँ क्या आ गया, थ्री का स्क्वेयर, फिर टू का स्क्वेयर थ्री का स्क्वेयर, टू थ्री जा सिक्स, प्लस में सिक्स का स्क्वेयर हो गया, अब यहाँ सिक्स है तो एक बढ़ा दिया हमने, क्या आया सेवन का स्क्वेयर। इसी तरह थ्री का स्क्वेयर प्लस फोर का स्क्वेयर, थ्री और फोर की मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, थ्री फोर जहाँ ट्वेल्व, ट्वेल्व का स्क्वेयर कर देंगे, फिर यहाँ ट्वेल्व है तो एक डिजिट आगे बढ़ाएंगे, ट्वेल्व से आगे क्या आएगा थर्टीन, थर्टीन का स्क्वेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर स्क्वेयर प्लस फाइव स्क्वेयर प्लस, ये आपको ब्लैंक्स दे रखा है तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, फोर फाइव जहाँ ट्वेंटी, क्या आएगा ट्वेंटी का स्क्वेयर इज इक्वल टू, एक डिजिट बढ़ाएंगे ट्वेंटी से क्या आएगा ट्वेंटी वन स्क्वेयर। नेक्स्ट है फाइव स्क्वेयर प्लस डैश छोड़ देंगे स्क्वेयर प्लस थर्टी का स्क्वेयर, थर्टी किसके मल्टीप्लाई होता है, फाइव मल्टीप्लाई सिक्स, फाइव सिक्स या थर्टी, अभी यहाँ सिक्स आ जाएगा और थर्टी है तो क्या आ जाएगा थर्टी वन का स्क्वेयर। सिक्स स्क्वेयर प्लस सेवन स्क्वेयर दोनों की मल्टीप्लाई, सिक्स सेवन या फोर्टी टू का स्क्वेयर, फोर्टी टू में प्लस वन कर देंगे तो क्या आएगा फोर्टी थ्री का स्क्वेयर। ये थी हमारी इसकी मिसिंग टर्म्स। नेक्स्ट है विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बिना ऐड किए हमें सम फाइंड करना है, कैसे, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन, हमें ये देखना है कि जो हमें ओड नंबर्स दे रखे हैं ये कितने ओड नंबर्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव हैं तो उसका स्केयर कर देंगे, जितने हमारे पास ये नंबर्स हैं उतने का स्केयर कर देंगे, फाइव का स्केयर हो जाएगा तो किसके इक्वल आएगा ट्वेंटी फाइव, इसको सम करके देखोगे तब भी क्या आएगा ट्वेंटी फाइव। नेक्स्ट है वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस इलेवन प्लस थर्टीन प्लस फिफ्टीन प्लस सेवनटीन प्लस नाइनटीन, अब टोटल डिजिट्स काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टोटल टेन डिजिट्स हैं तो क्या लिखेंगे टेन का स्क्वेयर, टेन का स्क्वेयर क्या आता है हंड्रेड, इन सभी का सम भी क्या आएगा हंड्रेड। नेक्स्ट है थर्ड वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन अप टू ट्वेंटी थ्री तक, टोटल डिजिट्स को काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, अब इसको क्या लिख देंगे ट्वेल्व का स्क्वेयर, ट्वेल्व का स्क्वेयर कितना होता है वन फोर्टी फोर, तो हमारे पास इनका सम भी क्या आएगा वन फोर्टी फोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ सेवन ओड नंबर्स, 49 को हम सेवन ओड नंबर्स के सम में करेंगे, अब देखो 49 किसका स्केयर है, सेवन का स्केयर है तो हमारे पास टर्म्स कितने होंगे सेवन होंगे, शुरू से लिखना शुरू कर दो ओड नंबर्स वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस इलेवन प्लस थर्टीन, टोटल टर्म्स कितने होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 नंबर्स, 11 नंबर्स का सम है तो क्या लिख देंगे 121 को 11 का स्केयर लिख सकते हैं, अब 11 टर्म्स है 11 टर्म्स तक लेके जाएंगे हम ऐसे ही ओड नंबर्स को 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू 21 तक, और इन सभी का सम क्या होता है 121। नेक्स्ट है हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्केयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, हाउ मैनी नंबर्स कितने नंबर्स लाई करते हैं बिटवीन स्केयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स के स्केयर के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, ये मैंने इंट्रोडक्शन जब करवाया था तब भी बताया था आपको फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है 12 और 13 है, वी नो दैट नंबर्स बिटवीन एन स्केयर एंड एन प्लस वन स्केयर, एन स्केयर और एन प्लस वन के स्केयर के बीच में कितने नंबर होते हैं 2 इंटू एन, अब एन स्केयर एन की जगह क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा 12 का स्केयर, और एन प्लस वन 12 प्लस वन कितना आ जाएगा 13 का स्केयर, इनके बीच में कितने आएंगे 2n, n की वैल्यू क्या है हमारे पास n, n हमारे पास यहाँ कितना है 12, तो क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 12, 12 टू जा 24, तो इनके बीच में कितने आएंगे 24 नंबर्स। नेक्स्ट है 25 एंड 26, अब इसको क्या लिखेंगे इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे 2n, 2 हमारे पास एज इट इज़ और n हमारे पास कितना है 25, तो 2 मल्टीप्लाई 25 कितना आ जाएगा 50। नेक्स्ट है 99 एंड 100, 99 स्केयर एंड 100 स्केयर इनके बीच में क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू क्या है 99, तो 2 मल्टीप्लाई 99 कितना आ जाएगा 198। ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1। ओके थैंक यू।